please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू के पुंछ में सीज़फ़ायर को तोड़ते हुए भारतीय सीमा पर गोलीबारी की। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का हालांकि भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलाबारी से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ का देगवार सेक्टर है, वहाँ पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी मशीन गन फायर किया गया। मोर्टार शेलिंग की गई, भारतीय सेना की पोस्टों को भी टारगेट किया गया। रात को लगभग 12 बजे जो फायरिंग शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक जो फायरिंग चलती रही। भारतीय सेना ने भी मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। ये पहला मौका नहीं है। लगातार पिछले अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 20 बार सीज फायर का उल्लंघन LOC के ऊपर किया गया है। वो चाहे रजौरी का नौशहरा सेक्टर हो या फिर पुंछ का देगवार सेक्टर, शाहपुर सेक्टर, केरनी सेक्टर, इन सभी इलाकों में लगातार हर दिन में दो दो तीन तीन बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से देगवार सेक्टर में, पुंछ का जो देगवार सेक्टर है, वहां पर फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पवन शर्मा, News 18 इंडिया, जम्मू। और इस वक्त अनुराग ढांडा एक अहम जानकारी दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस पर हुए सड़क हादसे में RSS प्रमुख मोहन भागवत बाल बाल बचे हैं। मोहन भागवत वृंदावन जा रहे थे, लेकिन सुरी थाना क्षेत्र के पास उनके काफिले की पायलट गाड़ी का जो टायर है वो फट गया, जिसकी वजह से काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में मोहन भागवत की गाड़ी भी टकरा गई। हालांकि इस हादसे में मोहन भागवत को किसी तरह की चोट नहीं आई और वो दूसरी गाड़ी में बैठकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। तो दूसरी गाड़ी में बैठकर भागवत वृंदावन के लिए रवाना हो गए। यही वो गाड़ी है, हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरी थाना क्षेत्र के पास उनका जो काफिले की जो गाड़ी है उसका टायर फट गया, इसकी वजह से काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में मोहन भागवत की गाड़ी भी टकरा गई। क्या फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, सीधे बात करते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मोहन भागवत सुरक्षित है, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। करीब एक घंटे पहले की ये घटना है। एक्सप्रेस वे पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज रफ्तार गाड़ियां वहां पर चलती हैं। काफी तीन गाड़ी काफिले की, जब पहली जो पुलिस की गाड़ी प्रोटेक्शन में जो चलती है उसका टायर बर्स्ट हुआ, जिसके बाद कंट्रोल लूज हुआ उस गाड़ी पर। उसके बाद मोहन भागवत की गाड़ी ठीक उसके पीछे थी, जो उस गाड़ी से टकराई, और ठीक पीछे एक और पुलिस की गाड़ी थी जो मोहन भागवत की गाड़ी से टकराई। तीन गाड़ियां काफिले की टकराई हैं। जो पहली गाड़ी थी जो सबसे आगे चल रही थी उसमें तनाव जरूर आई है एक दो सुरक्षा कर्मियों को, लेकिन उसके अलावा मोहन भागवत पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और उसके बाद दूसरी गाड़ी में चेंज करके वो वृंदावन की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन चूंकि इस लिहाज से अगर देखें तो बाल बाल बचे की एक्सप्रेस वे पर जब भी कोई हादसा होता है तो बहुत सारी गाड़ियां टकराती हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, लेकिन आज क्योंकि सुबह का वक्त था तो इसलिए गाड़ियां कम थी और उस लिहाज से काफी सुरक्षित मोहन भागवत बाल बाल बचे इस हादसे में जो एक्सप्रेस वे पर हुआ है। शुक्रिया अनुराग। जम्मू से ही हम आपको ये खबर एक और दिखा रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सफेद झूठ बोला है। पाकिस्तानी सेना का ये कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगार नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के लिए सीधे सीधे अफगानिस्तान को दोषी ठहरा दिया। आसिफ गफूर के मुताबिक आधे अफगानिस्तान पर वहां की सरकार का नियंत्रण नहीं है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ता है। इसके अलावा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में होने वाले जो आतंकी हमलों की साजिश है वो भी अफगानिस्तान में ही रची जाती है।
पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर बड़े ही दावा करें कि पाकिस्तान में आतंकियों के लिए सेफ हैवन नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है जो आतंकियों को जन्म देती है। लेकिन जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है पहले भी कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं टेररिस्ट की, उनके सरगना वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं से टेरर अटैक की प्लानिंग होती है, वो चाहे भारत में हो या फिर अन्य जो पड़ोसी उनके राज्य हैं वहाँ पर। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, घुसपैठ के लिए उस पार से फायरिंग की जाती है। हालांकि गफूर ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है, उनकी तरफ से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो और भी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी हैं वो घुसपैठ करवाने की हर कोशिश करती हैं, लगातार फायरिंग होती है। हालांकि मेजर जनरल गफूर जो है वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वो अपने अंदरूनी हालात से भी डरे हुए हैं। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है उससे साफ दिखता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर पोलिटिकली दबाव है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य जो पाकिस्तान के साथ उनकी कंट्रीज लगती हैं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वहाँ पर भी स्थिति इनकी डगमगाई हुई है, क्योंकि टेररिस्ट बेस जो इनके पाकिस्तान में है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बेनकाब हो चुके हैं और इनको हर तरफ से निंदा हो रही है। यही वजह है कि क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। और अब खबर चंडीगढ़ से। गुरमीत सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मिली हार्ड डिस्क में 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की पूरी डिटेल है। यह हार्ड डिस्क पुलिस ईडी को सौंपेगी। पुलिस के मुताबिक इस हार्ड डिस्क को जलाने की कोशिश भी की गई थी। हनीप्रीत से लगातार पूछताछ चल रही है और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी लगातार जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे में हरियाणा पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम जानकारी हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दे रहे हैं। एक हार्ड डिस्क बरामद की है हरियाणा पुलिस ने। इस हार्ड डिस्क को जलाने की कोशिश की गई थी, हालांकि ये अभी हरियाणा पुलिस साफ नहीं कर रही कि हार्ड डिस्क क्या डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय से बरामद की गई या फिर जो दूसरे डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा घर थे, जो दूसरी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ से ये बरामद की गई है। लेकिन एक हार्ड डिस्क मिली है जिसके अंदर 700 करोड़ का लेन देन को लेकर जानकारियाँ हैं, प्रॉपर्टी जो खरीदी गई उसके बारे में जानकारी है और साथ ही साथ जो हवाला कनेक्शन है जिसको लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम जांच कर रही है, इनकम टैक्स को भी जांच करने के लिए कहा गया है, उसको लेकर भी कई अहम जानकारियां इस हार्ड डिस्क में मौजूद हैं। इस हार्ड डिस्क को फिलहाल हरियाणा सरकार ने बरामद किया, उसके बाद इसका डाटा रिकवर करवाया गया और डाटा रिकवर करवाने के बाद तमाम जानकारियाँ और ये हार्ड डिस्क ईडी की टीम को सौंपने जा रही है हरियाणा पुलिस। और इसके बाद ईडी की टीम ये तफ्तीश करेगी कि जो पैसा आता था डेरा सच्चा सौदा में दान के नाम पर और दूसरे जो आय के रास्ते थे उनके जरिए जो पैसा आता था उसको किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता था, किस तरह से वाइट मनी किया जाता था ब्लैक मनी को, ये तमाम वो पहलू हैं जिनकी जांच में ये हार्ड डिस्क काफ़ी अहम योगदान दे सकती है। ईडी को वो हार्ड डिस्क सौंपी जाएगी जिसके बाद जो गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का जो हवाला कनेक्शन है वो खुलकर सबके सामने आ जाएगा, उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। पंचकुला से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। इधर 38 दिनों तक पुलिस को छकाने वाली हनीप्रीत गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की जांच में ज्यादा सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि हनीप्रीत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही। इस सिलसिले में कल हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को लेकर पंजाब के बठिंडा भी गई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिले। पुलिस का मानना है कि फरार रहने के दौरान हनीप्रीत ने 15 अंतर्राष्ट्रीय फोन इस्तेमाल किए, लेकिन ना तो अब तक पुलिस को कोई फोन मिला है ना कोई सरकार मिला है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बार बार बयान बदलकर हनीप्रीत पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जनरली कई बार जो हमारे अक्यूज है वो शुरू में कॉपरेशन नहीं करते, लेकिन पुलिस के पास और तरीके इंटेरोगेशन के होते हैं। नार्को टेस्ट इज जनरली अ लास्ट रिसॉर्ट और उसके लिए हमारे को जुडिशियरी से परमिशन उसकी लेनी पड़ती है। हनीप्रीत पुलिस के रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 23 के इस पुलिस स्टेशन में लगातार ये पूछताछ चल रही है। हनीप्रीत को यहीं पर रखा गया है, लेकिन हनीप्रीत जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। इसी वजह से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट को लेकर भी तैयारी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी कहा है कि अभी नार्को टेस्ट दूर की बात है, लेकिन जिस तरह से हनीप्रीत पुलिस जाँच में
तफ्तीश में सहयोग नहीं कर रही, सवालों के जवाब नहीं दे रही और सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है, तो ऐसे में नार्को टेस्ट की पॉसिबिलिटी को अभी नकारा नहीं गया है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि हनीप्रीत जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। उसकी जो सहयोगी पकड़ी गई है सुखदीप कौर, वो फिर भी हरियाणा पुलिस को जानकारियां दे रही है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस अपनी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर हम हनीप्रीत की बात करें तो हनीप्रीत को लेकर हरियाणा पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको लीगली काफ़ी कुछ जानकारियां देकर भेजा गया है। उसको बताया गया है कि पुलिस की जांच में किस तरह से गोलमोल जवाब देने हैं, किस तरह से पुलिस की तफ्तीश में जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे बचना है। इसी वजह से हनीप्रीत जाँच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही और हरियाणा सरकार के सामने काफ़ी मुश्किल खड़ी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि हनीप्रीत जो बातें बता रही है उसको अलग अलग अफसर आते हैं तफ्तीश करते हैं, यानी एक अफसर पहले कोई पूछताछ करता है, फिर कोई दूसरा अधिकारी आकर पूछताछ करता है, फिर उन जवाबों को टैली किया जाता है और उसके माध्यम से सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात साफ है कि हनीप्रीत जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। उसको अच्छे से पता है, काफ़ी शातिर है हनीप्रीत की किस तरह से पुलिस की जाँच से बचना है, पुलिस के सवालों से बचना है। पंचकुला से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। 5 स्टार और 7 स्टार की सुविधाओं में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के हवालात में रहना पड़ जाए तो क्या होता है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हनीप्रीत की तस्वीर है। हनीप्रीत लगातार गुरमीत राम रहीम के साथ, डेरा सच्चा सौदा के साथ काफ़ी आधुनिक सुविधाओं में, 5 स्टार 7 स्टार सुविधाओं में रहती थी, लेकिन फ़िलहाल वो हवालात में बंद है। पंचकुला का सेक्टर 23 ये पुलिस स्टेशन है जिसकी महिला लोकअप में हनीप्रीत को रखा गया है। लगातार उससे तफ्तीश की जा रही है, वो पुलिस रिमांड पर है और ये तीसरी रात थी जो कि हनीप्रीत की इसी पुलिस स्टेशन के महिला लोकअप में गुजरी और यहाँ पर लगातार उससे पूछताछ भी की गई। गुरुवार को हम अगर आपको बताएं कि ये जो तीसरी रात थी हनीप्रीत की महिला लोकअप में पुलिस स्टेशन के, वो कैसे गुजरी, तो हनीप्रीत को रात को करीब 9 बजे भटिंडा से जो रेड्स की थी पुलिस ने, जो वहाँ पर जानकारियाँ जुटाने के लिए पुलिस की टीम गई थी, वो पुलिस टीम हनीप्रीत को लेकर पहुँची रात करीब 9 बजे। उसके बाद हनीप्रीत को खाना दिया गया। हनीप्रीत पिछले 2 दिनों से इसी पुलिस स्टेशन की मेस का खाना खा रही थी, उसको दिया जा रहा था लेकिन वो खाना ठीक से नहीं खा रही थी, इसी वजह से चेंज के तौर पर उसके लिए बाहर से खाना मंगवाया गया। और उसके बाद रात करीब 10 बजे जो महिला लोकअप है उसकी लाइट्स को ऑफ कर दिया गया और हनीप्रीत को कहा गया कि वो आराम कर सकती है, सो सकती है। लेकिन जो महिला हवालात है, जो महिला लोकअप है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की कोई VIP सुविधा हरियाणा पुलिस की तरफ से हनीप्रीत को नहीं दी जा रही। वो फर्श पर एक दरी बिछी हुई है जिसके ऊपर सोती है और एक कंबल उसको दिया गया है, एक पंखा वहाँ पर लगा है महिला लोकअप में। और वहीं पर पूरी रात, जो तीसरी रात थी हनीप्रीत की इस महिला लोकअप में गुजरी। लगातार हनीप्रीत करवटें बदलती रही, उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा वक्त हो रहा है। फर्श पर सोना उसके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है, उसको काफ़ी आधुनिक सुविधाओं, 5 स्टार 7 स्टार सुविधाओं में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ जेल में जब उसे एक सामान्य अपराधी या आरोपी की तरह रखा जा रहा है, उसको हवालात में जिस तरह से रखा जा रहा है, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और तीसरी रात जो हनीप्रीत की थी वो भी मुश्किल भरी रही। पंचकुला से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। उधर यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की एक किताब के विमोचन के मौके पर यशवंत सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि मेरा उठाया मुद्दा चल निकला, अगर नहीं चलता तो कल कोई 1.25 घंटे भाषण ना देता। यशवंत सिन्हा ने यह भी दावा किया कि पार्टी में और भी लोग उनकी बातों से सहमत हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के शल्य वाले बयान पर पलटवार करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो शल्य नहीं भीष्म हैं और वो अर्थव्यवस्था का चीरहरण नहीं होने देंगे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। डर से निकलकर लोगों को बाहर आना चाहिए और खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। साथ ही यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर तगड़ा हमला बोला। इससे पहले भी यशवंत सिन्हा सरकार की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं और उसको जमकर कोस चुके हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। जो मैं भावना व्यक्त कर रहा हूँ, पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग उस भावना से सहमत हैं, लेकिन वो व्यक्त इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है। दोनों अटेम्प्ट फेल हो गए हैं कि इसको फादर सन डिबेट बना दो, इसको उलझा दो पर्सनल इश्यूज में, वो चला नहीं। अब वो डिबेट चल पड़ा
अगर डिबेट नहीं चला होता तो कल शाम को सवा घंटा किसी ने भाषण नहीं दिया होता। यशवंत सिन्हा जी जिस प्रकार अहंकार से भरा आरोप लगा रहे हैं, सैकड़ों आरोप सरकार के खिलाफ, बेबुनियाद आरोप, बहुत नीचे स्तर के आरोप लगा रहे हैं, और वे कांग्रेस पार्टी के साथ आज पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं। आज यशवंत सिन्हा जी रोजगारी के तलाश में, खुद जो बेरोजगार अपने आप को मान रहे हैं, राहुल गांधी उनके खेमे में जाकर के अनाप शनाप शब्द और आरोप लगा रहे हैं। 2019 का चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये बैटल इनके नेता जी और जनता के बीच में होगा। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आशीष सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं। फीफा अंडर 17 के टूर्नामेंट पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक मुंबई में होने वाले मैच पर हमला हो सकता है। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए जांच एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के जो मैच नवी मुंबई, गोवा, कोच्चि और कोलकाता में खेले जाने हैं, उन मैचों पर आतंकी हमले का खतरा है। ऐसे में आतंकी हमले को खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की तरफ से राज्यों को साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बलात्कार के दोषी राम रहीम के खिलाफ हरियाणा पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत, एक हाथ जिससे 700 करोड़ की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की जानकारी मिली। पंचकुला हिंसा मामले में पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्यों वाली कमेटी को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में व्यापारियों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगले आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेगी देश की जनता। चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये बैटल इनके नेता जी और जनता के बीच में होगा। सिन्हा का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरा उठाया मुद्दा चल निकला, अगर नहीं चलता तो कोई सवा घंटे भाषण ना देता। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली और एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक पर रुख नहीं बदला तो डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ हर तरह का कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और उनके साथियों पर हमले के विरोध में आज कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आज से फीफा अंडर 17 विश्व कप का आगाज, भारत और अमेरिका का उद्घाटन मैच देखने के लिए पीएम भी आ सकते हैं स्टेडियम।